पूरे पंजाब भर के अज तक के डाटे दे विच कोई 24-25 लाख बिल जिहड़ा जीरो आ चुका है। जीरो है मंत्री साहब, हीरो है दिल्ली दा बिल, जीरो है मंत्री साहब, हीरो है। आने वाले समय दे विच पंजाब दे विच 85% लोगों के बिजली के बिल जिहड़े आ ओह जीरो। असीं 600 यूनिट फ्री किया है, इहदे नाल किसी भी तरह का किसी भी धर्म के नाल जां जात के आधार से कोई भी असीं हर घर वर्ड यूज कर रहे हैं, हर घर दे विच हर कोई व्यक्ति जिहड़ा इहदे विच आउंदा है। बिल कदी गलत नहीं बोल सकदे, डाटा गवर्नमेंट का डाटा है, PSPCL का डाटा है, इहदे उत्ते कोई भी जिहड़ा आ किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। नहीं जिन्हां दे नहीं होए साडे कोल ते इहो जिहा कोई नहीं, असीं अपना सिस्टम ही इहो जिहा सैट कर दित्ता। बिजली चोरी जिहड़ी आ तुहाडी गल सही है कि बहुत लॉसिस हुंदे ने कई थावां ते, कई इलाकिआं दे विच बिजली चोरी है, पर उहनूं जिहड़ा उह रोकण वास्ते असीं पूरे प्रबंध भी करांगे और नाल दे नाल कानूनां दे अनुसार कार्रवाई तो होनी, चाहे वह किता भी वड्डा मंत्री क्यों ना होवे जां कोई विधायक जां कोई अफसर ना होवे, कानून अपना काम करेगा इस खेत्र दे विच। इहदे विच कोई होर दखल अंदाजी नहीं, कानून दे अनुसार। अज बड़ा खुशी वाला दिन आ कि चोण प्रचार दे दौरान आम आदमी पार्टी दे राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ते पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक वादा कीता सीगा, गरंटी दित्ती सीगी कि आम आदमी पार्टी दी सरकार बनन उपरंत 600 यूनिट हर घर दे विच बिजली जिहड़ी आ मुफ्त दित्ती जाऊगी। और मैनूं दसण दे विच खुशी महसूस हो रही है कि वादा पहले 3 महीनियां दे विच ही 1 जुलाई 2022 तो जिहड़ा वह पूरा कर दिता गया। अज साडे जंडियाला गुरु हल्के दे जंडियाला गुरु शहर दे ते आस पास पिंडां दे लोक काफ़ी अपने बिजली दे बिल लेके साडे कोल पहुँचे ने, सानू साडी टीम नूं वधाइयां दे रहे ने। उहनां दे कोल उहनां दे हत्थां दे विच बिल आ, मेरे कोल काफ़ी बिल जिहड़े ने किते पए ने, साडे लोक लेके आए ने कि साडे बिजली दे बिल जिहड़े ने इह जीरो आ गए ने। सो इह बड़ी वड्डी इक साडी जिम्मेवारी सीगी और लोगों का विश्वास सीगा साडे ते, जिन्हां ने सानू एडा वड्डा मैंडेट दे के एडा वड्डा फतवा दे के विधानसभा दे विच भेजिया। सो देखो जे असी चाहुंदे ते अजे कह सकते सीगे कि असी इस गरंटी नू बाद च पूरा करांगे, कोई चोणां दा अजे साडे उत्ते कोई बोझ नहीं सीगा, चोणां कोई नेड़े नहीं सीगियां, पर आम आदमी पार्टी ने किसी चीज़ नू मुख नहीं रख्या, सिर्फ अपने लोगों के नाल कीते वादे नू मुख रखदे होया पहले ही 3 महीनियां दे विच ये जड़ी आ ये वड्डी गरंटी पूरी की है। सो मैं सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों, अरविंद केजरीवाल जी वालों, सारे पंजाब वासियों नूं सारियां नूं वधाई देना कि जिन्हां ने सानू जिस भावना दे नाल वोट पाई सीगी अज असी जां साडी सरकार उन्हां दे उत्ते पूरा खरा उतर रही। पूरे पंजाब भर के अज तक के डाटे दे विच कोई 24-25 लाख बिल जिहड़ा जीरो आ चुका है, 33 लाख 34 लाख इहो जिहा जिन्हां नूं जिहड़ा उह 3 रुपए सबसिडी वाली जिहड़ा कीती सीगी सबसिडी उहनूं वी असीं चालू रख्या, उहदे वास्ते कोई 34 लाख बंदिआं नूं फायदा होया। आउण वाले समें दे विच अजे तुहानूं पता थोड़ी गर्मी आ, आउण वाले समें दे विच पंजाब दे विच 85% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ 50 ਲੱਖ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
देखो 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 मैं तुम्हें पहला भी बेनती कर चुका हाँ कि ये जड़ा असी 600 यूनिट फ्री किया ये किसी भी तरह का किसी भी धर्म के नाल जात जा के आधार से कोई व्यक्ति असं हर घर वर्ड यूज कर रहे हैं हर घर के हर कोई व्यक्ति जड़ा ये आता सारे वास्ते 600 यूनिट हाँ जी 600 यूनिट जी किलोवाट की कोई लिमिट नहीं है जी कोई लिमिट नहीं है किलोवाट की जिदा बिल 599 ज 600 यूनिट तक खपता उन्हां नूं बिजली का बिल जीरो फिर देखो जिहड़े ज्यादा बिजली पालते ने तुहानूं पता वह भी थोड़ा जिहा सिस्टम फिर वह पे भी कर सकते ने इस करके उत्तों बाद बिल लगता ता करके बहुत घट तादाद 85% लोग जिहड़े ने उन्होंने बिल बिजली के जीरो हो जाए जवाब तो लोगों ने देता जवाब तो आ बिल जड़े आ मेरे को पे ने अजे बड़े देख लो कोई भी बिल देख सकते हो साहब आ देखो सारे को दिखाओ सारे बिल हां जी जे विरोधी पार्टियां जड़ियां इल्जाम लगाउंदियां ने देखो उन्हां दा अधिकार आ उह बोल सकदे लोकतंत्र दे विच कोई भी बोल सकदा पर जो असलीयत आ उह कदी बदलदी नहीं इह बिल कदी गलत नहीं बोल सकदे डाटा गवर्नमेंट दा डाटा है PSPCL दा डाटा है इहदे उत्ते कोई भी जड़ा आ किंतु परंतु नहीं कीता जा सकदा जिहड़े मर्जी देखे जा सकदे ने मोर ओवर साडे लोक जिहड़े ने उह सानूं वधाइयां दे रहे ने उह आपदे आपदे बिल नाल लै के इत्थे पहुंचे ने सानू वधाई देन पहुंचे ने कि साडे बिजली दे बिल जिहड़े ने जीरो आ गए मतलब जिहड़े तां तुसीं ज्यादा पेश कीता है इहदे नाल किन्ना जिहड़ा आर्थिक भार सोशल मीडिया ते वी कह रहे ने कि साडे बिल नहीं होए नहीं देखो 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 जदों भी कोई चीज की ट्रांसफॉर्मेशन होंदी है चेंजेस होंदियां ने ना थोड़ा थोड़ा समा लगता है हौली हौली सारा कुछ सैटल हो जाऊगा पर असी तुहानू तुहाडे माध्यम राही असी सारे पंजाब के वसनीकां नू यकीन दवाने कि 600 यूनिट तक दो महीनों की जिस भी घर के खपत होगी उसका बिजली का बिल जीरो नहीं जिन्हों के नहीं हो साडे कोल तो यहोजा कोई नहीं असीं अपना सिस्टम ही यहोजा सैट कर दिता असीं जेकर किसी कोई यहोजी कंप्लेट हैगी अवल तो कोई है नहीं जे है तो साडे कंसर्नड SDO ज XCN जिहड़े भी कंसर्नड हैगे ने उन्हां नूं मिल सकदा सर एक सवाल है मेरा किन्ना आर्थिक जिहड़ा बोझ जिहड़ा सरकार दे उत्ते देखो सानू आर्थिक बोझ नाल जिन्ना भी पै गया साडा जिहड़ा सीगा मेन मकसद साडा वादा पूरा करना सीगा उह असीं अपना वादा जिहड़ा है उह पूरा कर दित्ता देखो बिजली बोर्ड एक इनफोर्समेंट एजेंसी भी है नाल दे नाल देखो बिजली चोरी तो जी ये तो तुहानू भी पता है सबनू ही पता है बिजली चोरी तो एक गलत गल है नहीं होनी चाहिए जदों सरकार इन्ना कुछ जड़ा आ वो अपने पद्धर से ही हर घर के जड़ा वो पहुँचा रही है तो फिर बिजली चोरी जड़ी आ वो नहीं होनी चाहिए सो बिल्कुल बिल्कुल बिजली चोरी नू रोकया भी जाएगा मैं अपील भी करदा हां अपने सारे आवाम नू कि आपां इस चीज़ तो बाहर आईए कोई भी जड़ा आ लॉसिस हाँ देखो वो भी असी एग्जामिन कर रहे हैं वो भी असी जिस तरह भी होया उन्हां नू रिकवर करके PSPCL मंत्री साहब तुसीं चोरी रोकण दी गल करदे पे हर पिंड दे विच हर शहर दे विच मीटर बाहर ने पर चोरी लगातार हो रही है मैं तुहानू जवाब देता कि बिजली चोरी जिहड़ी आ तुहाडी गल सही आ कि बहुत लॉसिस हुंदे ने कई थावां ते कई इलाकियां दे विच बिजली चोरी है पर उहनू जिहड़ा उह रोकण वास्ते असीं पूरे प्रबंध भी करांगे और नाल दे नाल अपने ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੜਾਧੜ ਚੋਰੀ, ਮੋਟਰ ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਗਰੀਬ 750 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਲੈਟ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ। 750 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ ਨੇ, 750 ਮਤਲਬ 2000 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਨੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 600? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ RDSS ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 100% ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਾਇਣਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ।